देखिए मैं आपको एक खास अपडेट दे दूं जोशी जी, कि कल दो आरोपियों को इसमें बेल मिल गई, यानी कि जमानत मिल गई। वो आरोपी है मनीष गाड़िया और अवनी साहू, इन दोनों को जमानत मिली, 50,000 रुपए की जमानत बॉन्ड इनसे भराया गया। इन पर भी आरोप जो है वो लगभग लगभग एक ही था, कोई अलग हटके आरोप नहीं था। इनके पास से भी ड्रग का पोजीशन नहीं था, इनके पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुई थी। सिर्फ थोड़ा अंतर यह है कि व्हाट्सएप मैसेजेस में ये आर्यन सिंह से पीछे रह गए। आर्यन खान जो है उनके पास व्हाट्सएप मैसेजेस मिले, लेकिन इनके पास व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं थे। इनको हालांकि सेशन कोर्ट ने कल जमानत दे दी। अब हम बात करेंगे मास्टर खान की, इनको हमने नाम दिया मास्टर खान। मास्टर खान जो हैं वो इस समय भुगत रहे हैं, वो एक ही चीज की भुगत रहे हैं कि उनके फादर को किंग खान कहा जाता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, वजह बिल्कुल साफ है। वजह यह है कि जिस आरोप में आर्यन खान को अरेस्ट किया गया, उस आरोप में कस्टडी संभाली पैदा नहीं होता 2 दिन 4 दिन से ज्यादा। आज आर्यन को तकरीबन 1 महीना हो गया जेल की कस्टडी लेते हुए। किंग खान के बेटे हैं, कोई भी यहां पर बोलते ना पब्लिसिटी से बचना नहीं चाहता, पब्लिसिटी सभी हासिल करना चाहते हैं। माननीय न्यायालयों के पास गया, गया मैटर, पहले किला कोर्ट, फिर बाद में एनसीबी कोर्ट, वहां पर देखने को मिला कि भाई साहब जमानत नहीं दी जाएगी इनको। जमानत क्यों नहीं दी जाएगी, मेरा सवाल एक ही है। मैं कोई जुडिशरी में ज्यादा जानता नहीं हूं, लेकिन मैं माननीय न्यायालय का पूरा खैर मकदम करता हूं और दिल से जानता हूं कि हमारे न्यायपालिका बिल्कुल उचित है, उसमें मैं कोई सवाल या निशान उठाना नहीं चाहता। लेकिन मैं एनसीबी के केस को रेफरेंस देना चाहता हूं कि उन्होंने जो मुद्दा बनाया हुआ है व्हाट्सएप का, देखिए आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और यहां जितने गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं हमारे साथ में सभी जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2021 में साफ तौर पर कह दिया है कि व्हाट्सएप मैसेजेस या वीडियोस को ये एज अ एविडेंस आप यूज नहीं कर सकते। एनसीबी लगातार वही कर रहा है और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आर्यन खान को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन क्या इस्लाम में ऐसा हो सकता है कि कोई हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो आए और किसी मुसलमान लड़की से या लड़के से निकाह पढ़ ले और मौलवी साहब उसको पढ़ ले? नहीं नहीं आलोक साहब, ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए इस्लाम धर्म में बाकायदा, मैंने भी निकाह किया है, मैं भी शादीशुदा इंसान हूँ, और उसमें जो निकाह की और जो शादी की जो पूरी क्रिया है वो अलग ही है। उसमें क्या होता है कि जैसे ही अगर निकाह होता है, उसमें पहले तो इस्लाम के जो हमारे मूलभूत जो ग्रंथ, जो आप लोग में श्लोक बोलते हैं, हमारे में एक दुआ बोलते हैं, वो दुआ पढ़ाई जाती है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मोहम्मदन रसूलुल्लाह, यानी दुनिया में एक ही खुदा है और उसका एक ही मोहम्मद है। तो जब आप ये कलमा पढ़ते हैं तब आप मुसलमान होते हैं। तो जब तक वो लड़की या लड़का ये कलमा नहीं पढ़ते तब तक वो मुसलमान नहीं होते, और मुसलमान नहीं होते क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, इसलिए उनका निकाह नहीं पढ़ाया जा सकता। इस पे एक और शर्त है कि उसमें एक मेहर की रकम होती है जो लड़के को लड़की को देनी है, उसमें एक निकाई अब्बा होता है जो बेटी को रिप्रेजेंट करता है, जो अपनी बेटी को, जैसे आपने कन्यादान होता है वैसे एक मुसलमानों में निकाई अब्बा होता है जो अपनी बेटी को उस बेटे के हवाले करता है। तो जब तक आप कलमा ना पढ़ लें, मैं आपके सवाल में आऊंगा, जब तक आप कलमा ना पढ़ लें तब तक आप मुसलमान नहीं होते, और जब तक आप मुसलमान नहीं होते तब तक आपको जो काजी है वो निकाह नहीं पढ़वा सकता। तो मैं थोड़ा सा वाहिद अली साहब आपसे जानना चाहता हूँ, समीर वानखेड़े की बैकग्राउंड क्या है, क्या वजह है कि उनको लेकर इतना शोरगुल मचा हुआ है? क्या वो एक बहुत ईमानदार अपराइट पुलिस अफसर हैं? मैंने जब शुरू में इस मसले पे चर्चा सुनी तो लोगों ने कहा साहब वो बहुत ही ईमानदार अधिकारी हैं और उनके उन पर तो कोई सवाल उठ ही नहीं सकता है, कोई उनकी इंटीग्रिटी पर सवाल नहीं उठ सकता है। ये बात सही है, अब तक उनके ऊपर कोई सवाल नहीं है? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि समीर वानखेड़े खबरों में कब से आए। समीर वानखेड़े की पोस्टिंग की गई मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एज अ कस्टम अधिकारी। वहां पर एज अ कस्टम अधिकारी तैनात होते ही उन्होंने ऐसी मतलब एक लगाम कसी कि सेलिब्रिटियों से लेकर बिजनेसमैन तक को उन्होंने नहीं छोड़ा। आप अगर एक की जगह 2 फोन लेके आ रहे हैं तो उसका टैक्स भरिए, आप अगर गोल्ड पहन के आ रहे हैं तो उसका टैक्स भरिए, मतलब चुन चुन कर उस समय सेलिब्रिटियों को तकलीफ में लाया गया। ये इतिहास गवाह, मैं नहीं कहता, आप गूगल कर सकते हैं। कितने व्यापारी लोगों को इन्होंने फाइन मारा और उससे वो मीडिया के नजदीक आए और मीडिया उनको नजदीक ली। अब जबकि उनका नार्कोटिक्स में लाया गया और नार्कोटिक्स में एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिया जा रहा है उनको, यहां भी सवाल ये उठता है कि समीर वानखेड़े ईमानदार है, भगवान है, शैतान है, कि आखिरकार समीर वानखेड़े है कौन? तो अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। नवाब मलिक के अनुसार समीर वानखेड़े बहुत करप्ट इंसान है,
झूठे हैं, मक्कार हैं, उन्होंने एफिडेविट तक गलत दिया हुआ है, उन्होंने अपने आप को दलित बताकर मुसलमानों को दलित बताने की कोशिश की है, जो कि नवाब मलिक आरोप लगा रहे हैं। नवाब मलिक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साफ कर दिया। वहीं समीर वानखेड़े में के पक्ष में आए कुछ बीजेपी के जैसे मोहित भारतीय हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि नहीं, समीर वानखेड़े बहुत ईमानदार है, समीर वानखेड़े बिल्कुल भगवान है, समीर वानखेड़े के करियर पर कोई दाग नहीं है, समीर वानखेड़े पर उंगली उठाना यानी कि आपको किसी एक अच्छे इंसान पर लालछन डालने के बराबर है। चलिए, अलग अलग प्रतिक्रिया अलग अलग लोगों की आ रही है। समीर वानखेड़े हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ये रस्सी एक दूसरे खींचने पे लगे हुए हैं, लेकिन समीर वानखेड़े की अगर आप लाइफ की ग्राफ देख लें तो समीर वानखेड़े मुसलमान हैं, ये बात सत्य है, क्योंकि उनकी माँ एक मुसलमान थी, बाप हिंदू थे। समीर वानखेड़े का आना जाना, मुसलमानों के नमाज पढ़ना, दरगाहों पर जाना, मस्जिदों में जाना लगातार था, इस बात को कोई दो राय नहीं और कोई इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। हालांकि समीर वानखेड़े संत है या शैतान, ये वक्त बताएगा। नहीं, जो जो देखिए, कुछ अफसरों के बारे में खबरें होती हैं, आप इतने एक्सपीरियंस क्राइम रिपोर्टर हैं मुंबई के, और पहला तो ये समीर वानखेड़े किस कैडर के अधिकारी हैं, क्योंकि ये कस्टम में थे, वहां से एनसीबी में आ गए, ये क्या हैं, पुलिस अफसर हैं, ये रेवेन्यू के ऑफिसर हैं, कहां से कहां पहुंचे हैं, क्योंकि कहा गया कि साहब फिलहाल आलोक जी समीर वानखेड़े बीजेपी के अफसर हैं, मैं अमूमन यही कहूंगा, क्योंकि बीजेपी के ब्लू आई बॉय हैं, बीजेपी के बहुत नजदीक है, बीजेपी के कुछ नेताओं के बहुत नजदीक है, और वो नेता जो एनसीपी हो या कांग्रेस हो या शिवसेना हो, उनको अच्छी आंखों से नहीं देखते, उनका बढ़ना या उनका कद बढ़ना या उनकी वोट बैंक्स बढ़ना इनको रास नहीं आ रहा, क्योंकि आज नहीं तो कल इलेक्शन होगा। तीन पहियों की सरकार, पहले कहा जा रहा था कि 3 महीने में गिर जाएगी, फिर कहा 6 महीने में गिर जाएगी, फिर कहा साल भर में गिर जाएगी, साहब 2 साल हो गए अब तक तो गिरने को नहीं आए, तो तीनों पहियों का हवा जो है वो बराबर चल रहा है, कोऑर्डिनेशन व्हील अलाइनमेंट बराबर चल रही है, अब आज नहीं तो कल यहाँ पे इलेक्शन होगा, तो इनको ये भी देखना है कि अगर मान लीजिए 2 साल के बाद इलेक्शन होता है कि पब्लिक परसेप्शन क्या होगा, तो पब्लिक परसेप्शन यही होगा कि नवाब मलिक का जो दामाद है वो ड्रग बेचता था, अब अगर ये नहीं होगा तो नवाब मलिक को वोट कैसे आएगा, तो यहां पर बहुत ही ज्यादा सियासती कार्य चल रहा है, सियासती दांवपेच चल रहा है। सही बात समीर वानखेड़े की, समीर वानखेड़े एक अधिकारी है, एक मोहरा है, इनको जब तक ऊपर, देखिए आप मुझे बताइए, एक अधिकारी को जेड प्लस सिक्योरिटी क्यों भाई, किस लिए, जेड प्लस सिक्योरिटी का आलोक जी पेमेंट कौन करेगा, आप करेंगे, यहां बैठे हुए हमारे वरिष्ठ पत्रकार शीतल जी करेंगे, अपनी पगारों में से हम TDS कटवाएंगे और फिर उसके बाद GST भरेंगे और उसके बाद हम टैक्सेस भरेंगे, ये जेड प्लस सिक्योरिटी मतलब 14 लोग पर शिफ्ट, क्या जरूरत है एक अधिकारी को 14 शिफ्ट, इतनी उनको तकलीफ हो गई, इतना उनको कौन सा गोलियां चल गई या फिर उन पर कोई हमला हो गया, कुछ नहीं हुआ है, ये कुछ भी नहीं हुआ है। आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाते हैं या प्रेस से बातचीत करने जाते हैं तो धक्कम धुक्की एक आम बात है, किस माई के लाल में इतना दम है कि सेंट्रल के एनसीबी के अधिकारी पर हमला कर दे, नहीं होता साहब, महाराष्ट्र में तो ऐसा मैंने देखा नहीं, तो जेड प्लस सिक्योरिटी, चलिए आपने दे दिया जेड प्लस सिक्योरिटी, इन्होंने ले लिया, लेकिन बात वही की वही है, सत्य सत्य होता है, असत्य आप जितना चिल्लाकर बोल रहे मीडिया के सामने, असत्य को आप सत्य नहीं बना सकते आलोक जी, और यही देखने को मिलेगा आगे भी, कि आप देख लीजिएगा कि जो चीज भारतीय में, आपको मैं बता दूं कि नवंबर 2020 में, पीछे लेके चलता हूं थोड़ा, सभी मेरे पत्रकारों को याद होगा कि नवंबर में भारती नामक एक अभिनेत्री अरेस्ट हुई थी, उनके पास से 68 ग्राम चरस मिला था, 68 ग्राम, आलोक जी याद होगा आपको, उसकी 4 दिन में बेल हो गई थी साहब, 4 डेज, हस्बैंड वाइफ दोनों 4 दिन में बाहर आ गए, इस बेचारे के पास तो 1 ग्राम भी नहीं मिला है सर, और इसके साथी के पास तो 10 ग्राम ही मिला है सर, क्या जरूरत है इस बच्चे का भविष्य को ऐसा अंधकार में डालते हुए, आप और अगर शाहरुख खान के बीच में या फिर बीजेपी या शाहरुख खान के बीच में कोई मसला चल रहा है तो डायरेक्ट लड़ लेना, एक बच्चा जो 23 साल का बच्चा जिसका भविष्य अभी बहुत बाकी है, उस बच्चे को मोहरा बनाना किस हद तक सत्य है मुझे बताइए, सच है बताइए, कहा जाता है, पुरानी कहावत है कि अगर पिता को मारना है या पिता को तकलीफ देनी है तो उसका सबसे अहम जो नफ्स होती है वो बेटा होता है, उस बेटे को हाथ मरोड़ो पिता का दिल मरोड़ जाएगा, तो ये खेल वही हो रहा है साहब। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।